क्या सपा और रालोद के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती क्या चुनाव तक टिक पाएगी? इंडिया से बाहर क्यों नए समीकरण तलाश रहे हैं जयंत चौधरी? क्या मंत्री बनने का लॉलीपॉप सपा के ऑफर से ज्यादा अच्छा है? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनडीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ईश्वर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक के बाद एक उथल पुथल का दौर चल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस की न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे इस बात को कंफर्म करते हैं, तो दूसरी तरफ सपा और आरएलडी के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। यानी इंडिया गठबंधन में एक ओर से मजबूती आई, दूसरी ओर से दरकने लगा, ऐसी भी खबरें जोर पकड़ रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जयंत चौधरी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया। रालोद के बीजेपी के साथ जाने की खबरों को इसलिए और भी हवा मिल रही है क्योंकि लगभग हर बड़ी बात को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले सपा प्रमुख और आरएलडी प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इन तमाम तरीके की खबरों पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से ये बात भी साझा की थी कि 7 सीटों पर सपा और रालोद के बीच बात बन चुकी है। आप भी सुनिए अखिलेश यादव का बयान। हमारी और आरएलडी जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। तो इन 7 सीटों पर डील डन हो चुकी है। बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और हाथरस ये तय है, लेकिन 2 सीटें अभी भी हैं जिन्हें लेकर संशय बना हुआ है। अभी फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, नगीना और फतेहपुर सीकरी, इनमें से कौन 2 महत्वपूर्ण सीटें सपा आरएलडी को दे देगी। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो रालोद ने बीजेपी के एक बड़े नेता के जरिए संपर्क साधा। जयंत चौधरी की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई। जयंत ने बीजेपी के सामने 7 सीटों का प्रस्ताव रखा। रालोद नेताओं का दावा है कि लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 1 सीट पर बात तय हुई है। इसमें कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा लोकसभा सीटें शामिल है और ये भी तय हुआ है कि यूपी की सरकार के विस्तार में रालोद का एक मंत्री बनाए जाना भी लगभग तय है। तो सवाल यही कि क्या जयंत चौधरी एक बार फिर पाला बदल सकते हैं? अब जाहिर चुनाव से पहले रालोद के बड़े नेता भी आपस में चर्चा और मंथन करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाने पर उनका ज्यादा फायदा होगा, बीजेपी या सपा। और इतिहास गवाह है कि राजनीति अवसरवादिता का ही गेम, जिसको जहां अच्छा अवसर मिला वो उसी के साथ हो गया। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और रालोद की 2 सीट टिक पाती है या नहीं। उसकी भी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल जानने के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटी ऑनलाइन के साथ।